बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमजान, अपने चैनल रमजान लॉ एसोसिएट्स पे एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं। जैसे कि हमने हमेशा कहा कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हैं और उसके अंदर वैरायटी के एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। ना सिर्फ लीगलिस्टिक डिस्कशंस होंगी, हम बहुत सारे और एरियाज जिनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे होता है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा एरिया जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का है और आई थिंक जिसपे बहुत काम होने की जरूरत है, वो है क्रिकेट का टॉपिक और स्पोर्ट्स एज अ होल। अगर आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे बहुत एक सीरीज चल रही है क्रिकेट के ऊपर, और हम हर सेशन के अंदर एक डिफरेंट एरिया को टच करते हैं जो कि हमारी क्रिकेट एज अ वेरी कॉमन स्पोर्ट जिसको लोग बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, वो एरियाज हम आइडेंटिफाई करते हैं जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं। और हमारा पर्पस भी यही है कि इन सीरीज ऑफ डिस्कशंस के ऊपर हम उन तमाम एरियाज को ओपन अप करें कि जिस जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है एक यंगस्टर को और उसकी ग्रोथ को इम्पीड करता है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेटरन वर्सटाइल फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मलिक मोहम्मद इमरान बुच्चा साहब। ये हम आप देख रहे होंगे बहुत सीरीज में हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी वेरी काइंड ऑफ हिम, वो टाइम निकालते हैं। और इनको इनका हमें ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा पर्पज ये है कि ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने एक्चुअली क्रिकेट को ग्रो होते देखा और उसकी तबाही को भी ऑब्जर्व किया, और ये एक ऐसी कमांडिंग पोजीशन में है कि ये हमें बता भी सकते हैं और हमें सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं कि क्यों कर ये खराबी आई और उसपे हम उसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। बुच्चा साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेशन। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने अपनी गुफ्तगू की थी डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लब क्रिकेट के ऊपर, और उस डिस्ट्रक्शन के ऊपर काफी आपने डिटेल गुफ्तगू भी की और हमने कई चीजों का एस्पेक्ट्स को टच बेस किया। उसी सेशन के एंडिंग पे हमने डिसाइड किया था कि अगले सेशंस में हम मजीद एरियाज को ओपन अप करेंगे, और इस सेशन के लिए हमने डिसाइड किया था वी विल बी डिस्कसिंग द स्क्रूटनी प्रोसेस ऑफ टेस्ट ऑफ द क्लब्स एज अ होल। अगर आप देखें कि हमने आप थोड़ी सी बात तो जिक्र किया था कि आपने कहा था कि क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर के क्लब्स कैसे ऑपरेट करती हैं और कैसे क्रिकेट बोर्ड उनको उनपे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करती है और इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज और लेकुनास क्या हैं। तो बच्चा साहब, ओवर टू यू, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इस मामले में आगाही दीजिए। थैंक यू हैरिज, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। देखिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्लब की स्क्रूटनी के बारे में, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरे हिसाब से जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ये वन ऑफ वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और ये बहुत सारी बीमारियों को और इल्स को जन्म देता है, क्योंकि अगर ये स्क्रूटनी सही तरीके से की जाए तो ऑब्वियसली जितने भी बोगस क्लब्स हैं, फेक क्लब्स हैं, वो सारे वॉश आउट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्रिकेट का मैार बेहतर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम बड़ा गलत है, और मैं थोड़ा सा दोबारा so that anybody who has missed it, उसको reminder बता दूं कि ये है क्या, system है क्या। ये system ये इस तरह है Harry, कि it is very funny कि मेरे घर में मैंने एक डाका डाला और लाके अपना सामान अपने घर में छुपा दिया है, और पुलिस मुझे इन्फॉर्म कर रही है कि हम आपके घर आ रहे हैं तलाशी लेने के लिए। इन अदर वर्ड्स, पुलिस मुझे पहले कह रही है कि जो चोरी का सामान है उसको छुपा लेना क्योंकि हम आ रहे हैं। तो जब वो आएगी तो मैंने सामान छुपा लिया, और वो कहेंगे माशाल्लाह जी आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, आपको कुछ नहीं किया। तो ये क्या करते हैं, दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेल्स द रीजनल प्रेसिडेंट्स के जी आप अपने क्लबों को इतला दे दें कि फलानी फलानी तरीकों फलाने फलानी ग्राउंड में हम जा रहे हैं स्क्रूटनी करने के लिए। वो होता ये है कि जितने बोगस क्लब्स हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पुरानी स्कोर बुक्स निकालते हैं, उनमें भरते हैं, फेक मैचेस डालते हैं, और लड़के पकड़ पकड़ के 20-25 लड़के खड़े करके ग्राउंड में बैठे होते हैं इंतजार में जब स्क्रूटनी वाले पहुंचते हैं। रुकूंगा, ऑडियंस को थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए, ये बोगस क्लब क्या चीज होती है। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हमने एक बहुत अरसे में क्रिकेट आपने भी खेली और देखी है कि क्लब्स आर वेरी रिकॉग्नाइजेबल, उनके नेट्स भी होते हैं और हर चीज एक प्रॉपर तरीके से उनका चल रहा होता है निजाम, ये बोगस क्लब किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। देखिए, मैं वही बात कर रहा था, बोगस क्लब ये कहते हैं क्योंकि जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ना उनके मैचेस होते हैं, ना वो कोई टूर्नामेंट्स में जाते हैं, ना उनके पास पूरे लड़के होते हैं,
लेकिन अगर आप देखें तो शोरगुल उनका बहुत ज्यादा होता है, रफड़ी वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके प्रेसिडेंट भी अजीबो गरीब किस्म के होते हैं, वो क्लब एक्चुअली फंक्शनल ही नहीं होते, वो बिल्कुल मतलब है ना उनकी कोई नेट्स होती हैं, ना उनके कोई मैचेस होते हैं रेगुलर, ना उनके पास कोई लड़के होते हैं, ना उनके कोई होता है, लेकिन पेपर के ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने अपना काम करके रखा होता है। और जब ये सब कुछ होता है तो उस वक्त क्योंकि इतला दे दी जाती है तो वो लड़के पूरे करके और वो उनको सबको खिला दिया खड़ा कर दिया जाता है, और जो स्कूटी करने आता है वो नाम पूछता है, वो कहता है 20 लड़के पूरे हो गए, जरा स्कोर बुक्स दिखाएं जी, स्कोर बुक्स देखी, वो भी जाली भरी गई होती, वो देख के चले जाते हैं और वो उनको तस्लीम कर लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये तो हमें समझ आ गई है, ये आइडेंटिफाइड है, एंड आई थिंक बोर्ड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस, लास्ट टाइम हमने ये बात बताई थी, लेकिन इसको ठीक करने की कोशिश कोई नहीं करते। करना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीजन के जिम्मे लगाना चाहिए कि जनाब आपने एक टूर्नामेंट करना है, सारे जैसे लाहौर के 3 जोन्स हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, कि जी आप अपने प्रेसिडेंट्स को कहें कि वो टूर्नामेंट करें, वो टूर्नामेंट में आपने इनको मॉनिटर करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे को जाइए कि वो इन मैचों के ऊपर पहुंचे, हाजिर हो और देखे कि वो हो क्या रहा है। जब वो वहां जाएगा तो उसको पता चलेगा कि कई टीमें 7 खिलाड़ी लेके ग्राउंड में आई होंगी, कई टीमें जो है उस दिन कोई अफसोस कर रही होंगी जी हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, हमें कोई वजह है, हम मैच नहीं खेल सकते, और कई टीमों में मेरी उम्र के कम से कम नहीं तो 5-6 लड़के होंगे, जो लड़के मैं कह रहा हूँ सॉरी आदमी होंगे जो बाबे खेल रहे हैं, यू सी, तो वो है, ये है फोकस का। जब आप टूर्नामेंट करते हैं और इसको ऑब्जर्वर आपका पीसीबी का अगर मैचेस में ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जाके अपनी फाइंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देगा और लिख देगा कि जी फलाने क्लब के मैच में मैंने ये देखा कि क्लब नंबर AAA में 7 लड़के थे, उसमें से भी 4 बाबे थे, 3 थे, और बड़ी मुश्किलात हो रही थी उनको बंदे पूरे करने में, और ये एक जबरदस्ती मैच हुआ जिसका कोई फंक्शन कोई फायदा नहीं हुआ, और दूसरी टीम तकड़ी थी, उल्टा उसको एडवांटेज मिल गया कि वो स्कोर भी करे और सारा कुछ करे, और उनके लड़के भी इतने अच्छे थे नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये टीम नालायक थी वो टीम बहुत बड़ी बन गई। ये चीजें बन के आगे जाके ना मॉन्स्टर क्रिएट कर लेती है, जब ये मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है तो फिर ये रीजनल प्रेसिडेंट्स को तंग, पहले ये अपने जोन के प्रेसिडेंट्स को तंग करते हैं, फिर ये रीजनल प्रेसिडेंट्स को तंग करते हैं, उससे होता क्या है, पहले जोन की टीम गलत बननी शुरू हो जाती है सिफारिश से, फिर रीजन के ऊपर बोझ आ जाता है, रीजन में फिर मुसीबत डालनी पड़ जाती है, वो लड़के खिलाने पड़ जाते हैं, और सारा निजाम जो है ना जो मयार खराब हो जाता है जिसको कहते हैं वो ये है। अब ये नहीं है तरीका कार कि आप एक ये जो मर्जी लेके आ जाए निजाम, अगर उस निजाम को ग्रास रूट लेवल से मॉनिटर नहीं करेगी, देखे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है रीजन के जिम्मे लगा दिया जी ये करा ले, मैं अग्री करता हूँ ये रीजन का फर्ज है, रीजन ही कराए, बट आई एम जस्ट आस्किंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू मॉनिटर इट, जहां जहां शिकायतें आती हैं उसको मॉनिटर करें, इसको देखें। अब ये बात होगी सारी कि जी ये एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम का ये है कि जब वो नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन सारे अपने प्रोग्राम करेंगे और टूर्नामेंट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे होंगे वो बता देंगे कि जी हमारे हिसाब से इधर अगर 35 क्लबें थी तो 15 नॉर्मल क्लब्स थी, बाकी क्लब्स तो जी फेक लग रही हैं और इनका तो कोई मियार नहीं, उससे क्या होगा, 15 क्लब्स को लेवल 1 खेलना मिल जाना चाहिए जोन में, और इनको नीचे ले जाना चाहिए और इनका वोटिंग राइट ले लेना चाहिए कि जब तक आप अपने आप को ये ठीक नहीं करेंगे आपका वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, प्लेइंग राइट निचले लेवल पे आपको हम दे देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं 15 जी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इंटरवीन करूंगा, क्योंकि आप तो क्योंकि माशाल्लाह ग्रिप है पूरे सिस्टम के ऊपर, हमारी ऑडियंस का इस पूरे सिस्टम को एक्चुअली समझना बड़ा जरूरी है। हम जब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, रीजन और इस तरह की ये टॉपिक्स के ऊपर और क्लब क्रिकेट के ऊपर, थोड़ा सा हमें जरा ऑडियंस को सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल के थ्रू जरा बताइए, जिस तरह हम लाहौर में रहते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करती है, एक रीजन क्या होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कैसे ऑपरेट करती है, उसके नीचे क्लब्स कैसे आते हैं, और दूसरा मेरा इसी के साथ कनेक्टेड सवाल ये है कि इनके ओहदे दौरान किसी हद तक समझ आती है कि इलेक्शन के प्रोसेस से आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा जरा वाजे कीजिए
कि क्या इन लोगों की को इनको कोई सैलरी मिलती है या ये कुछ अर्न करते हैं, नंबर वन. नंबर टू, इनकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या होता है, ये जरा थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिए. एक तो ये बात है, इनकी कोई सैलरी वैलरी नहीं होती और ना ही इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती. ये तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ. आज ये सिस्टम कैसा है मैं आपको बताता हूँ. एक रीजन जिसमें 100 टीमें 100 टीम से ज्यादा होती हैं, वो उसको रीजन कंसीडर किया जाता है. और रीजन की बेसिकली बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री तो बोर्ड टाइम करता है ना, एक तरीका कार होता है, वो बाउंड्री करता है कि लाहौर शहर की मैं आपको बताता हूँ. लाहौर रीजन जो है वो बहुत बड़ा है. अब उसमें मिंटो पार्क और वो उस तरफ का इलाका, शहर का जो अंदरून इलाका है सारा, वो गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ आता है वहां तक वो सारा नॉर्थ जोन में चला जाता है. उसके दरमियान में ईस्ट जोन आ जाता है, वो जल्लो की तरफ चला जाता है, इस तरफ चला जाता है. लाहौर LCJ की ग्राउंड को भी ईस्ट जोन ही कंसिडर किया जाता है. उससे आगे आप आ जाते हैं तो मॉडल टाउन सोसाइटी और उस तरफ के जो क्लब हैं जिसमें समनाबाद भी आ जाता है, ये सारे जो हैं इकबाल टाउन और ये आ जाते हैं वेस्ट जोन में. वेस्ट जोन सबसे बड़ा जोन है, इसमें को 49 के करीब टीमें होती हैं. ईस्ट जोन में को 45 टीमें होती हैं और नॉर्थ जोन सबसे छोटा है क्योंकि वहां ग्राउंड्स की भी बहुत किल्लत है. वैसे तो ईस्ट जोन में भी नहीं है. अब मिंटो पार्क तबाह होने से थैंक्स टू मिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने मिंटो पार्क खत्म कर दिया, तो उनको ग्राउंड की किल्लत हो गई. वहां पे 33-34 टीमें हैं टोटल, वो सबसे छोटा जोन है. अच्छा, अब ये जो जोन कंसिस्ट करता है, ये क्लब्स के हिसाब से कंसिस्ट करता है. जोन्स के अंदर ये क्लब रजिस्टर्ड होते हैं. जोन जब रजिस्टर्ड करता है क्लब को, तो ये वैसे जोन की भी जिम्मेवारी है कि वो कहे कि भाई ये तुमने जो 20 लड़के दिए हैं ये कहाँ हैं, नेट कहाँ लग रहा है. जोन भी कई दफा अपना वोटिंग इलेक्शन को सामने रखते हुए अपनी मर्जी के फेक क्लबों को रजिस्टर करा देता है कि यार कोई गल नहीं है, इन्होंने तो सानू वोट देना है. दैट इज हाउ द थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल. ओके, अब आपने ये बात की है, कोई जिस दिन ये लॉकडाउन वगैरह प्रॉपर तरीके से खुल जाए तो आई थिंक यू एंड आई नीड टू गो टू सम ऑफ दीज क्लब्स एंड पे अ विजिट एंड यू कैन मेक अ वीडियो एंड सी. कि उनके प्रेसिडेंट्स को वैसे पता नहीं चलेगा, हम उनसे जरा इंटरव्यू करेंगे. जब आप उनसे इंटरव्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इनका लेवल क्या है. फिर आप उधर का जो निजाम देख रहे होंगे, नेट का, लड़कों का, गेंदों के हालात देख रहे होंगे, नॉन सीरियसनेस देख रहे होंगे, आपको पता चलेगा. अगर सही माने में कहीं पे आपको निजाम लगा आएगा ठीक चलता हुआ, तो वो वेस्ट जोन में नजर आएगा. क्योंकि वो भी इसलिए कि मॉडल टाउन में और उस तरफ को इस इलाके में सारी ग्राउंड्स आ गई हैं अच्छी वाली. वो क्योंकि 15-16 ग्राउंड्स यहाँ पे अच्छी मौजूद हैं, इसलिए उनके पास ग्राउंड्स भी हैं, उनके पास टीमें भी हैं और उधर शाह फैसल भी आ जाता है इलाका और सारा, तो उधर क्रिकेट हो रही है. वही इस वक्त लाहौर को एक्चुअली फीड कर रहा है, बल्कि दूसरे जोन के बच्चे भी क्योंकि उधर ग्राउंड्स नहीं है उन्हीं ग्राउंडों में जाके खेल रहे हैं. तो अब इस निजाम का बेहतर तरीका ये है कि पहली बात तो ये है कि नंबर वन, बोर्ड को पहले खुद बगैर कुछ कराए हुए एक रैकी करनी चाहिए. ये है क्या वेदर लाहौर रीजन में 134 जो या 32 क्लब जिनको वोटिंग राइट दिया वो जेन्युइन है कि नहीं. अगर नहीं है तो बोर्ड को फिर तरीकाकार इस्तेमाल करके उनको शंट आउट करके इसको बना. अब जैसे खबर ये आ रही है, वी आर नॉट श्योर बिकॉज अभी तक कुछ पता नहीं, कि लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन से खत्म होके ये दोबारा रिवर्ट कर रहे हैं इनटू लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन. जब ये सिटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर इसमें उतने क्लबों की गुंजाइश नहीं होगी, फिर ये छोटे छोटे क्लबों में डिवाइड हो जाएगी. लाहौर सिटी ईस्ट, लाहौर सिटी वेस्ट, लाहौर सिटी, वो क्लब्स भी रिड्यूस कर देंगे. 100 सुनने में आ रहा है, 100 से कम क्लब कर दिए जाएंगे, तो उसमें तो बेहतरी आ जाएगी. तो ये हैरी जो आम आपका सवाल है ना, अब जो आपके जो अच्छे लोग हैं या अच्छे स्कूलों के हैं, फैमिली बैकग्राउंड, वो ज्यादातर मॉडल टाउन की ग्राउंड्स में जा रहे हैं और वेस्ट जोन में खेल रहे हैं. आपको बाकी इलाकों में वो लोग नजर नहीं आएंगे. अच्छा, मगर वेस्ट जोन देखिए, इधर भी मोनोपोली है कुछ लोगों की, उनके अपने क्लब्स हैं, उनके इंटरेस्ट है. देखिए, हर क्लब चाहता है कि मैं मैच जीतूं. अब उधर भी तो अब लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लड़के बैठे हुए हैं, उम्रों के बैठे हुए हैं, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं, वो खेल रहे हैं. ऑब्वियसली वो परफॉर्मर है, तो वो उनके नजदीक ये होता है कि हमने टूर्नामेंट जीतना है. उस वक्त वो बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे. एक तो इन पर लाजम कर दिया जाए कि हर क्लब विल हैव टू मेंटेन एन अंडर 19 टीम, एन अंडर 16 टीम एंड एन प्रॉपर टीम. उससे फिर ये होगा कि एक कंसिस्टेंट मसला एक चलेगा.
जब ये आप इस सारे सिस्टम को चलेंगे, नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट एट ऑल, वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन द क्लब क्रिकेट। आप इन क्लब क्रिकेट्स का मेयार ठीक करने के लिए जब ये सारा निजाम लगाएंगे और उसको चलाएंगे तो ऑब्वियसली पहले साल हर चीज ठीक नहीं होगी, पहले साल करेंगे उसकी फिर दोबारा फाइन ट्यूनिंग करके इंशाल्लाह ताला आप उसको लेंगे। और फिर आप एक काम करें कि जो पूरे लाहौर की टीमें निकलें, सारे जोन की टॉप टीमों निकाल के 15-15, 20-20 करके टूर्नामेंट करा दें, बेस्ट ऑफ 45 या 50 का एक टूर्नामेंट करा दें, उसमें से जो बेस्ट 25 निकले सिर्फ उनको वोटिंग राइट दें, बाकी वोटिंग राइट मत दें। तो फिर उसमें क्या होगा कि हर टीम कोशिश करेगी कि मैं जीतूं, अपनी टीम को बेहतर करूं ताकि मेरा वोटिंग राइट आए। जब ये फॉर ग्रांटेड है कि हमारा वोटिंग राइट है, हमने कुछ करना ही नहीं है, हमने टूर्नामेंट खेले या ना खेले, जालसाजी करनी, तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो क्लब्स हैं ये अपनी सस्टेनेंस कैसे करती हैं, ये सर्वाइव कैसे करती हैं? एक तो समझ आती है कि ये हाँ, जो प्लेयर्स खेलते हैं उनसे सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, बट उससे तो इनफ नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, उस पे प्लीज बताइए कुछ। देखें, ये क्लब्स तो यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि पहले पुराने जमाने में क्लब्स थोड़े थे, अव्वल तो प्रेसिडेंट भी खुद अच्छे मतलब बैकग्राउंड के थे कि सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उनको पैटर्न जरूर मिलते थे। जैसे हाजी करीम बख्श जो था, उनके सईद बख्श साहब यूनिवर्सल क्रिकेट के पैटर्न थे, वो यूनिवर्सल क्लब की सारी उसको ओन करते थे, सर्विस क्लब को सर्विस इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से चलाती थी, इसी तरीके से सुल्तान एफ हुसैन क्रिकेट सेंटर को खुद चलाते थे सारे। इस तरह की बहुत आपको मिसालें हैं इस। तो अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि क्लब के प्रेजिडेंट्स ऐसे आ गए हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैटर्न भी अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि वो कोई चीज दिखा नहीं सकते कि पैटर्न क्यों आए। यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मनी, इट्स अबाउट शोइंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड। तो इसमें जरूर बात ये है कि आपको मेयार कुछ बनाना पड़ेगा कि क्लब में जो पैटर्न बने वो कोई बंदा देख, द क्लब मस्ट शो के पैटर्न उसका कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, प्रेसिडेंट कौन है उसका बैकग्राउंड क्या है, सेक्रेटरी कौन है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये लोग फाइनेंशियली भी इस काबिल हैं या इनकी माशरे में इतनी इज्जत है कि इनको फाइनेंसेस मिलेंगे। लड़के पैसे नहीं दे सकते, स्पेशली नॉर्थ जोन ईस्ट जोन में तो बिल्कुल एक ढेले के लड़का पैसा नहीं देता, बेचारे गुर्बत है, वो खेल उनको खेल मिलती है टूटी फूटी, वो खेलते हैं शायद कोई पैसा दे। इवन मॉडल टाउन सोसाइटी जैसी जगह पे जहाँ पे अच्छे लोग वेल टू डू देते हैं, मैक्सिमम फीस 1500 रुपए है और वो देते। जब एक अच्छे बॉल की कीमत 500 रुपए है और अगर नेट में 4 बॉल हफ्ते के लगे तो 2000 बॉल का चाहिए, अगर 2 मैच खेले हैं उसके लिए चाहिए, फिर लड़कों को खाना खिलाना है वो चाहिए, माली को पैसे देने हैं वो चाहिए, नेट्स रन करना है, नेट खरीदना है, किट खरीदनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। सो ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया था। एक वजह बर्बादी की ये है कि एक मेरे पास एक पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट मैं क्लब का बन गया हूँ, पैटर्न भी मैंने वो चुना है जिसका कोई पैसा नहीं, उल्टा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कुछ निकाल लें इसमें से हम पैसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए जैसे कि, और अब इस पे हम वाइंड अप करेंगे बिकॉज़ वी आर एंडिंग टुवर्ड्स द क्लोज, क्रिकेट बोर्ड के पास बेतहाशा पैसा है और वो अपने जो जो टॉप के हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफरेंट सूरत में उनको मराद भी दी जाती है और उनके अपने निजाम जो है उनमें बड़ा ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो क्लब क्रिकेट के ऊपर स्क्रूटनी तो समझ आ गई हो गया, लेकिन कोई आपके नजर में ऐसा कोई मुफस्सल प्रोग्राम है क्रिकेट बोर्ड का जिसमें वो इन इन क्लबों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की बाबत उन्होंने कोई काम किया हो? और दूसरा सवाल ये कि फिर इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं क्लब क्रिकेट वाले ताकि बेहतर सिस्टम आगे बन सके? इसको 2 मिनट में अगर आप वाइंड अप करें। देखिए, पिछले पिछले जब नजम सेठी साहब थे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा था एक पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं लाहौर और कराची को कि ये अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढे, और उस वक्त हमने मुझे सॉरी आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द नेम ऑफ द कंपनी, देयर वाज अ कंपनी जो 3.5 करोड़ रुपए में लाहौर को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थी। अब वो अगर पैसे दे देते और 7 छोटे को स्पॉन्सर हमें मिल जाते और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पैसे देते, तो यही मसला था कि रीजन ने उन क्लब्स को
जो वो समझते थे कि वैलिड है और ठीक है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी करनी थी, टूर्नामेंट्स भी कराने थे, लड़कों को भी पेमेंट होनी थी और सारे लोगों को उसमें सैलरीज भी मिल जानी थी और सब काम ठीक हो जाना था। लेकिन जब वो नजम सेठी साहब चले गए और ये सिस्टम भी इन्होंने बदल दिया, अब एक्चुअली वी आर ऑल वेटिंग कि ये निजाम देंगे क्या एक्चुअल। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथ में सब कुछ रख के चलाने की कोशिश करेगा तो बहुत तबाही होगी। ये रीजन्स को चलाना पड़ेगा, दे हैव टू सपोर्ट एंड दे शुड कम अप विद अ प्लान और रीजन्स को दोबारा उधर लोग ऐसे लाएं जैसे ख्वाजा नदीम थे, उनको कहा गया हम लोग निकले, मैं ख्वाजा नहीं निकले, वी वेंट एंड टॉक टू वेरियस पीपल एंड दे वर ऑन बोर्ड कि हम पैसे नहीं, मैं आपकी इस बात में ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा, सॉरी जस्ट टू ऐड कि मैंने खुद ये चीज देखी है कि जिस तरह आपने तो आप तो अपनी जगह एक पैशनेट करते हैं, लेकिन ख्वाजा नदीम साहब जो खुद एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना एक सेटअप भी चलाते हैं, रन करते हैं, और उसके अलावा मैंने देखा कि कितना पैशनेटली उन्होंने क्रिकेट के लिए एफर्ट की है। हो सकता है कई दफा एफर्ट्स जो होती हैं वो फ्रूट्स बेयर नहीं कर पाती हैं जो हम सोच रहे होते हैं, हमें नाकामियां भी मिलती हैं, हमें कामयाबी भी मिलती हैं। मगर ये बात मैं आपके इसमें बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि ख्वाजा नदीम साहब ने बहुत एफर्ट की है और इन जैसे लोगों को और आगे आके और एफर्ट करनी चाहिए। जी प्लीज 30 सेकंड्स। जी जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि रीजनल प्रेसिडेंट भी वैसे लेके आए जिनका मयार हो, जिसको लोग समझते हो, जो पैसा खुद ला भी सकते हो, खुद इन्वेस्ट भी कर सकते हो और जिनके कहने पे लोग पैसा इन्वेस्ट करें और वो ये स्पॉन्सर्स ला सके। अगर आप ऐसे लाएंगे जो कुछ भी नहीं कर सकते तो वो फिर ये भी नहीं मसला हल कर सकते। ये एक साइंस है, अब ये पुराने जमाने की क्रिकेट नहीं रह गई है कि बल्ला पकड़ के मैं चला गया हूं और खेल लिया, क्लब ने वहां पे चार पैड पड़े हुए थे, नहीं। अब ये निजाम बहुत है, इट नीड्स मनी एंड इट नीड्स टू, इसके ऊपर तो हैरी कम से कम चार प्रोग्राम्स चाहिए कि इसको चलाना कैसे है, इसको रीजन्स को एम्पावर कैसे करना है, इसको बच्चा साहब इसको यही आज कंक्लूड करते हैं और अगले सेशन में इसी सिस्टम को फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डिबेट आपकी बात दुरुस्त है, एक सेशन के लिए नहीं है, यहीं से हम इसको लेके चलते हैं और ऑडियंस को इस दफा अगले सेशन में थोड़ा सा और वाजे करके बताते हैं, ताकि इन 3-4 सेशन से कल को अगर कोई शख्स भी क्लब क्रिकेट को समझना चाहे तो उसको बेसिक्स की हर एलिमेंट की समझ आए कि असल में कहां गलती होती है और क्या चीज जो है वो किस तरह लोग मैनिपुलेट करते हैं पूरे सिस्टम को और फिर उसको हल कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच बच्चा साहब फॉर टुडे सेशन और इंशाल्लाह इसको अपने इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी। एक सेकंड।